हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संशोधित जुर्माने से चालान काटने पर चालकों को याद आई नानी। नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित जुर्माने लागू, पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया। प्रदेश में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित जुर्माने के पहले दिन ही पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया। पुलिस ने आज से नए जुर्माना राशि के अनुसार चालान काटना शुरू किया तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के पसीने आने लग गए। कई जगहों पर चालकों ने अपनी गलती मानते हुए पुलिस कर्मियों से चालान नहीं काटने की दुहाई भी दी, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और चालान काट डाले। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से एक साल पहले लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित जुर्मानों की अधिसूचना राज्य सरकार ने बुधवार रात को जारी की थी। इसके अनुसार सरकार ने 36 जुर्मानों में संशोधन किया है। नई जुर्माना राशि के तहत अगर बिना लाइसेंस या फिर गलत लाइसेंस के वाहन चलाया तो 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर 1,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। आज सुबह से ही यातायात पुलिस कर्मी इन नए मोटर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटने लग गए। जब उन्होंने चालान कॉपी में भारी भरकम जुर्माना राशि भरनी शुरू की तो वाहन चालकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पुलिस कर्मियों से माफी मांगने लगे। उन्होंने आगे से ऐसी गलती नहीं करने की कस्में भी खाई। कई वाहन चालकों ने सिफारिशी फोन भी लगाए। बता दें कि सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों को लेकर सरकार ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जुर्माना राशि बढ़ाई है। आमजन के साथ अल्प आय और मध्य वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालन से जुड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।